بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान मजीद का पारा नंबर 6, रुकू नंबर 30, 31, ये दो आयतें पढ़ी गईं और ये दो आयतें भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों के वाकिये से मुताल्लिक हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का वाकिया इन आयतों में बयान किया गया है। तफसीलात पिछली मजालिस में गुजर चुकी हैं। छोटे भाई हाबील ने जब देखा कि बड़ा भाई काबील हसद, जलन और जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त न सकने की वजह से वो नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है और अपने हाथों को दराज कर रहा है, तो छोटे भाई ने एक संजीदा जवाब दे दिया कि अगर आप मुझे मारने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं तब भी मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथ आगे न करूंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का पालनहार है, और इसलिए भी मैं अपने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा ताकि मुझे अज्र पूरा मिले, और अगर हाथ बढ़ाकर जो कुछ मेरे ऊपर उस हाथ के बढ़ाने की वजह से जो गिरफ्त मेरी हो सकती थी वो भी मैं आपके कंधों पर डालना चाहता हूं। आपके अपने गुनाह का बोझ तो है ही, मेरे उस रुक जाने की वजह से वो बोझ भी आप ही के सर हो और आप अहले जहन्नम में शुमार किए जाए, और जालिमीन का यही बदला है। ये जवाब छोटे भाई ने इसलिए दिया था ताकि वो अपनी अकल से काम ले। ये अकल को अपील करने वाले जवाब थे। वो सोचता, गौर करता, थोड़ी देर रुकता तो शायद कत्ल का इकदाम न करता। मैंने पहले कहा कि जब आदमी हसद में होता है, हसद की आग में जल रहा होता है, जलन कीना और बग़्ज़ में होता है, तो उसकी अकल मऊफ हो जाती है, कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। यहां भी इसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, वो आगे बढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फतवअत लहू नफ्सुहू कत्ल अखी, उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर उसे उभारा।
उसके नफ्स ने अपने भाई को मार डालने पर उसे उभारा और तैयार किया। फ़क़तलहू, और वह नफ्स की बातों में आया और अपने भाई का कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया और भाई की जान निकल गई, वो मुर्दा हो गया। फ़अस्बहा मिनल खासिरीन, तो हुआ वो बड़े नुकसान उठाने वालों में हो गया, परेशान हो गया कि वो जो थोड़ी देर पहले जीता जागता इंसान था, बोल रहा था, हरकतें कर रहा था, अचानक वो साकितो सामित हो गया, रूह उसके अंदर से निकल गई, हरकत उसकी बंद हो गई, ना वो बोलता है, ना वो हरकत करता है, न जिंदगी के कोई आसार उसमें नजर आते हैं, परेशान हो गया और नुकसान उठाने वालों में हो गया। एक नुकसान तो ये कि उसका अपना सगा भाई, जो हर मौके पर उसका मददगार होता, उसका मुईन बनता, उसका गमखार होता, वो दुनिया से चला गया। एक नुकसान ये जाहिरी नुकसान, और उखरवी नुकसान क्या, जमीन पर होने वाला ये कत्ल, ये पहला कत्ल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर जो कोई अच्छे काम की बुनियाद डाले और कियामत तक वो अच्छा काम किया जाता रहे, तो जितने लोग वो अच्छा काम करेंगे उन सब का अजर उस पहले बुनियाद डालने वाले को मिलेगा। इसी तरीके पर जमीन पर अगर कोई बुरे काम की बुनियाद डाले और कोई बुरे काम का आगाज करे, तो उसके बाद जितने लोग उस बुरे काम को अंजाम देंगे कियामत तक, उन सारे कामों, बुरे कामों का बोझ, गुनाह उस पहले आगाज करने वाले शख्स पर रखा जाए। और फिर जब दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के यहां जाएगा, तो फिर उस कत्ल की जो सजा वहां मिलेगी वो अलग, ये दुनिया की सजा। तो वो नुकसान उठाने वालों में हो गया, अब परेशान था कि वो उस लाश का क्या करे। जाहिर सी बात है, पहला इंसान था जो मौत के मुंह में गया, कत्ल भी पहला था और रूए जमीन पर मरने वाला भी ये पहला इंसान था। पहले मरे हुए के साथ क्या किया जाए, उसकी कोई नजीर, कोई मिसाल सामने नहीं थी, इसलिए परेशान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रहबरी के लिए एक कौवे को भेजा। वो कौवा अपनी चोंच में एक मरे हुए कौवे को उठा लाया, और जहां ये कातिल काबील अपने मरे हुए भाई को लेके बैठा था, हैरानो परेशान था, उसके करीब वो कौवा अपने मरे हुए कौवे को चोंच में दबा लाया और रखकर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदने लगा। और जमीन जब इतने हिस्से की खुद गई, तो वो अपने मरे हुए कौवे को चोंच और पंजों की मदद से उस गड्ढे में धकेला और फिर मिट्टी उसके बराबर कर दिया। और ये सारा मंजर वो कातिल काबील देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ये उसी की रहबरी के लिए कौवे को भेजा था। देखकर उसे अपने आप पर अफसोस हुआ, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा। एक तो ये कि ये कौवा ये परिंदा है, ये जानवरों में है, परिंदा,
ये अपने मरे हुए कव्वे के साथ इसकी हमदर्दी, इसका ताल्लुक के मरे हुए कव्वे को अपनी चोंच में उठा करके लाया, ताल्लुक की बुनियाद पर किया। एक तो इस कव्वे को, जानवर को, परिंदे को, अपने हमजिंस परिंदे के साथ इस ताल्लुक को देखा तो उसे अफसोस हुआ, मैं तो इंसान और अपने हकीकी भाई के साथ मैंने ये जुल्म और ज्यादती की। और दूसरा अफसोस उसे ये हुआ कि मैं तो इस कव्वे से भी गया गुजरा हूं, मुझे ये तक नहीं पता कि अपने मरे हुए इंसान के साथ करना क्या चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझसे बेहतर तो ये कव्वा है, इसे तो ये पता है कि अपने हम जिस परिंदे, मरे हुए परिंदे के साथ क्या किया जाए, ये जानता है, ये मुझसे बेहतर है, मैं इसके मुकाबले में आजिज हूं, मैं इसके मुकाबले में इससे कमतर हूं। फिर बड़ा शर्मिंदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिक्र किया, फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह फरमाते अल्लाह ने भेजा कव्वे को, यबहसु फिल अर्द, वो कव्वा आया और जमीन खोदा, जमीन खोदने लगा, क्यों खोदने लगा, लियुरियाहू, ताकि उस बैठे हुए इंसान को दिखाए, कैफा युवारी सौअता अखीह, के कैसे वो छुपाए अपने मुर्दा भाई की लाश को, कैसे छुपाए, ये दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वे को भेजा। जब देखा उसने, उस कव्वे के पूरे अमल को देख लिया तो उसकी जबान से निकला, قال يا ويلتا, हाय अफसोस, أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب, मैं इस कव्वे के मानिंद होने से भी आजिज हो गया, أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب, मैं इस कव्वे के मानिंद भी तो नहीं हो सका, फवारी या सऊ अताखी, कि मैं अपने भाई की लाश को छुपा सकूं, फासबह मिनन नादिमीन, फिर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर अपने भाई को उसी की नकल में जमीन में दबाया। ये पहला इंसान था और पहले इंसान को जमीन में दफन करने का तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक जानवर और एक परिंदे के जरिए उसकी तालीम दी, और इस मुर्दे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सौअह, सौअह के माने वो चीज जो आंखों को पसंद ना आए, ऐसी चीज जो आंखों को पसंद ना आए, जो आदमी उसके देखने के लिए तैयार ना हो, और यहां सौआ के माने लाश, और लाश को इंसान देखने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, वो एक मर्तबा चेहरा देख लिया अलग है, लेकिन जिंदा इंसान को जिस तरीके पर इंसान देखता है वैसा मुर्दे के साथ रवैया नहीं होता। ये कहां थोड़ी देर पहले वो जीता जागता इंसान, और कहां थोड़ी देर के बाद वो ऐसी चील बन गया जिसकी तरफ देखने के लिए इंसान तैयार नहीं। इंसान का कमाल, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न, उसकी कीमत, जब तक उसके अंदर रूह है, इंसानी जिस्म की कीमत, ये रूह है तो समाज और मुआशरा इंसानी जिस्म की कदर करता है, और ये रूह निकल जाए
तो फिर जिस्म की कोई कदर व कीमत नहीं, वो ऐसी शय बन जाता है जिसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, जिसको इंसान अपने साथ रखने के लिए तैयार हो। बल्कि इंसान जितनी जल्द हो सकता है उसको अपने यहां से ले जाता है और दूर कहीं ले जाकर के मिट्टी में उसको दबा देता है। मालूम यह हुआ कि इंसान की कदर व कीमत उसके अंदर मौजूद रूह की वजह से। जब तक रूह मौजूद है इंसान की कदर व कीमत है, और रूह निकलने के बाद जिस्म की कोई कदर व कीमत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे वाकये को जिक्र करने के बाद आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसीलिए हमने बनी इसराइल पर बहुत सारे अहकाम दिए, और उसी के ज़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किसी ने बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के नाहक किसी का कत्ल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, फकअन्नमा कतलन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान को कत्ल करने को अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान को कत्ल करेगा तो समाज में बदअमनी फैलेगी, इंतिशार होगा, खौफ का माहौल पैदा होगा, लोग डरेंगे, सहमेंगे, मुआशरा पूरी तरीके से मुतासिर होगा, और यह सारा माहौल उस कत्ल की वजह से पैदा हुआ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं एक इंसान को बिला वजह कत्ल करना वो एक इंसान का कत्ल नहीं, वो पूरी इंसानियत का कत्ल। कहां इस्लाम में कत्ल की इजाजत हो सकती है? इस्लाम तो एक कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दे रहा है। इस्लाम ने इंसान की जान की जो कदर व कीमत बताई है वो दुनिया के किसी मजहब नहीं बतलाई। इस्लाम तो इंसान की, एक इंसान की जान को सारे इंसानों की जानों के बराबर करार दे रहा है। यही वजह है कि इस्लाम में अगर कोई अपने आप को खत्म करता है, खुदकुशी करता है, अपनी जान अपने आप खत्म करने की भी इजाजत नहीं, वो भी हराम करार दिया, गुनाह कबीरा में उसको शामिल किया। जब कोई इंसान थोड़ी देर के लिए, वो जान उसकी अपनी है, अपनी जान को जब वो खत्म नहीं कर सकता तो किसी और की जान को वो कैसे खत्म करने की इजाजत उसे कैसे मिलेगी? अब लोग जहां लफ्ज़े कत्ल आता है तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो सड़कों पर ग्रुपों के माबैन होने वाले कत्ल के मनाजिर जहन में आ जाते हैं कि भाई वो कत्ल नहीं होना चाहिए। और हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारे कत्ल जो होते हैं वो जहन में उभर कर नहीं आते। मसलन बहुत सारी जगहों में घर की बहुओं के साथ ज्यादती होती है और वो इस हद तक बढ़ जाती है कि बहू कत्ल कर दी जाती है, कहीं बीवी कत्ल कर दी जाती है। अब वो शरीर कत्ल होता है और लोग उस नजर से उसे नहीं देखते जो नजर सड़क पर होने वाले कत्ल को देखते हैं। जुर्म में दोनों बराबर। अल्लाह तबारक व तआला उस कत्ल को भी हराम करार दिया जो सड़कों पर होते हैं, और उस कत्ल को भी हराम करार दिया जो खानदानों और घरों में किए जाते हैं, जायदाद के लिए कत्ल कर दिए जाते हैं, भाइयों के कर दिए जाते हैं, बहनों के कर दिए जाते हैं।
और आज के मौजूदा जमाने में मां बाप के कर दिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बहुत बहुत बड़ा गुना करार दिया है। और कुरान मजीद का पांचवा पारा और रुकू नंबर 10, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जानबूझकर किसी को कत्ल करने की सजा, अनजाने में किसी का कत्ल हो गया उसकी सजा, पारा नंबर 5 रुकू नंबर 10 में अल्लाह ने पूरी तफसील पेश की। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई किसी इंसान के कत्ल को जायज समझकर, किसी मोमिन के कत्ल को हलाल समझकर कत्ल कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत गैज में है, गजब में है। अल्लाह फरमाते हलाल अगर समझ लिया, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जानबूझकर हलाल समझ के किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, फजज़ाउहु जहन्नम, अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी सजा जो है वो जहन्नम। कितने दिनों के लिए? खालिदीन फीहा, हमेशा की जहन्नम। क्यों? मोमिन का कत्ल हराम है और इसने उसको जायज समझ लिया, हराम को हलाल समझ लिया, कुरान में तहरीफ कर दी, कुरान के हराम को हलाल जान लिया, तो फिर कुरान के एक हुक्म को उसने गलत ठहराया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वगज़िब अल्लाहु अलैह, और फिर अल्लाह का गजब भी उस पर होगा, वलअनहु, और अल्लाह की लानत भी उस पर होगी, वअअद्द लहु अज़ाबन, और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दर्दनाक अज़ाब भी तैयार कर रखे। और अगर समाज में, मुआशरे में किसी की जान बचाई जाए, कोई जल रहा था, आगे बढ़कर के उसकी मदद करके उसे बचा लिया गया, कोई डूब रहा था पानी में और आगे बढ़कर के उसकी जान बचा ली गई, और अल्लाह फरमाते हैं वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, एक इंसान को बचाया नहीं, पूरी इंसानियत को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। क्यों? उस एक इंसान की जान बचने की वजह से समाज में अमन का एतमाद बढ़ेगा, खौफ खत्म होगा, एतमाद बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि यहां हमदर्द लोग रहते हैं, यहां बचाने वाले लोग रहते हैं, मुसीबतों से निकालने वाले लोग हैं, तो आदमियों के अंदर सुकून इत्मीनान आएगा और ये समाज के फलने और फूलने का बड़ा जरिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाकये को यहां जिक्र करके ये बताना चाहा, एक तरफ जिहाद है और जिहाद में कत्लो किताल होता है, तो वो जिहाद बदअमनी को दूर करने के लिए, फसाद को खत्म करने के लिए होता है, उसकी इजाजत दी गई बहुत सारे शरायत के साथ, तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों को नाजिल करके ये बताना चाहा कि वो शरायत पाए ना जाए और कि कोई भी इंसान किसी इंसान को कत्ल करने का हक नहीं रखता, और अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हराम करार दिया और उसकी सजाएं जिक्र की, या तो किसासन उसको कत्ल कर दिया जाएगा या उससे दियत ली जाएगी, मकतूल के मुरसा चाहे तो दियत ले या बदले में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। कातिल को जीने का हक जमीन पर इस्लाम ने नहीं दिया, बशर्ते कि इस्लामी हुकूमत कायम। बताना सिर्फ ये चाहता हूं, इस्लाम में कत्ल की इजाजत नहीं, लोग बिला वजह का दहशतगर्दी को इस्लाम की तरफ जोड़ते, इस्लाम दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो तो एक इंसान के कत्ल को बर्दाश्त करने तैयार नहीं, चे जाए कि इज्तिमाई कत्ल की कोई शक्ल पेश आ जाए, तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाकिए में ये तालीम दी कि हसद, कीना, बोग्ज, जलन, इन सिफात को दिलों में जगह नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया अल्लाह की दी हुई नेमत अगर किसी के पास है तो तुम इसकी ख्वाहिश कर सकते हो कि वो नेमत तुम्हें भी मिले, तुम भी उस नेमत के ख्वाहिशमंद बनो, इसकी इजाजत दी गई। लेकिन उसके यहां से वो नेमत खत्म हो जाए इस ख्याल को जहनो दिमाग में आने और इसको पालने से मना किया, उसको हसद से ताबीर किया, ये ख्याल ना दिलों में आए ना उसको जगह मिले, ये इंसान को तबाह करने वाली सिफात। इसलिए इंसान को उन सिफात को इख्तियार करना चाहिए जिन सिफात से उसका दिल नरम होता है, जिन सिफात से वो अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया है। इंसान उसे कहते हैं जिसको देख करके उंसियत पैदा हो। कोई इंसान किसी इंसान को देख ले तो उसके दिल में अगर खौफ भी है अंधेरे का या गैर आबाद इलाके का कोई खौफ भी है, कोई इंसान पर नजर पड़े तो इंसान नजर आने के बाद फितरी तौर पर वो खौफ खत्म होना चाहिए कि हमारा हम जिंस नजर आ गया, अब मुझे खौफ की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं। यह है इंसान की हकीकत। और आज के जमाने में इंसान इतना जालिम हो गया है और वह जुल्म मुख्तलिफ हैसियतों से किया जाने लगा है, जिसकी वजह से बहुत सारी मर्तबा इंसानों को देख कर खौफ महसूस होने लगता है जी। बाद मर्तबा इंसानों की हिफाजत के लिए जो दस्ते तैयार किए रहते हैं उनके जुल्म की दास्तानें कभी देखकर कभी सुनकर वो मुहाफिज दस्तों को देखकर डर पैदा होने लगता है। ये इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। इस्लाम बड़ा पाकीजा मजहब है, इंसानी जान की बड़ी कदर व कीमत मजहब इस्लाम ने रखी है और किसी भी इंसान की जान को किसी को यूं जाय करने का हक और इख्तियार इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में बयान करदा वो सारी हिकमतें, असबाक, इबरतें जो गुज़िश्ता चार मजलिसों में पेश की गईं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को समझने, दिलों में जगह देने, मुआशरत में उसको फैलाने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और एक सालिह मुआशरा, एक अच्छा मुआशरा वजूद में लाने का जरिया हम सब को बनाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।